हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मतलब नथिया खरीदी हूँ, लेकिन आज एक ही की वीडियो आएगी, इसमें से कोई एक। तो सबसे पहले जो भी पार्सल अनबॉक्सिंग हो जाए, वैसे मैं चाहती हूँ ना बड़ी सी नथ पहनूँ, ये साउंड करे, यानी कि इसमें छोटे छोटे नोज पिन है जो कि वायर वाले मैंने मंगाए हैं, और इसमें है बहुत बड़ी नथिया। तो बहुत बड़ी नथिया के लिए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, और कोई भी फिल्टर नहीं है इस वीडियो में, देख सकते हैं। तो ये जो आवाज़ करी, इसमें वायर नोज पिन है, इसको मैं रख दे रही हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे, और इसकी अनबॉक्सिंग आप आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैं नथिया मंगवाई हूँ, मीशो की है, और काफ़ी ज़्यादा सस्ती मुझे मिल गई। पता है, जब कोई भी चीज़ न्यू अराइव होती है ना, जब नई नई आती है मीशो पे या कहीं पे भी, तो उसका दाम बहुत ज़्यादा हाई होता है। सुंदर तो बहुत लगता है, लेकिन ले नहीं पाती हूँ। ऐसे में इंतज़ार रहता है कि कब उसका प्राइस थोड़ा कम हो तो मैं मंगवाऊँ। तो इसका प्राइस मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम हुआ था, उसके बाद मैं इसको मंगवाई हूँ। वैसे तो 200 के अप्रोक्स ये है, लेकिन देख सकते हैं इस ब्रांड से मुझे मिला है, इस ब्रांड से ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। वैसे तो मैंने नथिया ऑर्डर किया था, बट ये पिक्चर में ऐसा दिख रहा, तो मुझे डर भी लग रहा है कि मीशो ने मुझे कुछ गलत तो नहीं भेज दिया। तो देखिए, इस तरह से मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, जो मैं मंगवाई थी वही आया है, और ये देखिए। तो इस तरह से कार्डबोर्ड में मिला है, जो कि बहुत ही गलत बात है। उन लोगों को कार्डबोर्ड में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतना महंगा और इतना अच्छा है। तो चलिए, इसकी अनबॉक्सिंग हो गई। ये बबल रैप बहुत अच्छा लगता है इसको बजाने में। और काफ़ी अच्छा जल्दी जल्दी हो भी जा रहा है। यहाँ ये नथिया है, दिखा आपको? दिखा, ये ग्रीन कलर का है। तो बस इसी के लिए मैं यहाँ पे मेकअप करी हूँ। मैंने कोई ज्वेलरी ऐड नहीं करी है न्यू, क्योंकि मैं इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत यूनिक है। तो इस तरह से कुछ मिला है प्लास्टिक में, और ये नथिया कुछ इस तरह की है। इसकी तलाश मुझे कब से थी, बट ये मुझे आज मिली। ओ, इसमें कुछ गलती हुआ है इन लोगों से। ये देखिए, ये नथिया कुछ ऐसी मिली है यहाँ पे, देखिए। ये देखिए, इसकी चैन बहुत बेकार मिल गई है मुझे। यहाँ देखिए, ये क्या है इस चैन का हाल। तो इस चैन को क्या कर दिया है इन लोगों ने, मुझे नहीं मालूम। तो ये कुछ इस तरह से ख़राब हो गई है। मुझे लगता है कि इसको मंगाए हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, पता नहीं ये रिटर्न होगा भी या नहीं होगा। और मैं जल्दी अनबॉक्सिंग भी नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ दिन से मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। चलिए, ऐसे ही इसकी गलती दिखाते हुए मैं इसकी पिक्चर भी ले लूँगी, और इसको कोशिश करूँगी ये रिटर्न हो जाए। 7 डे रिटर्न पॉलिसी होता है। तो ये कुछ नथिया इस तरह का है डिज़ाइन में, तो ये कुछ इस तरह की है, और इसको मैं नाक में पहनकर आपको दिखाती हूँ। वैसे इसको ठीक किया जा सकता है, और इसको वापस करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। ये कुछ ख़राब आ गया है, और ऐसे तो मैं पहन नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये बेकार लग रहा है। तो इसको मैं यहाँ रखूँगी, और ये बार बार स्लिप कर जा रही, तो इसको पहले क्रिस क्रॉस करना है, और तभी इसको नाक में पहना जा सकता है। तो इस तरह से मैं इसको पहन ली। तो ये इस तरह की कुछ नथिया है, और मेरी नाक कैसे टेढ़ी हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है, मतलब ये नथिया मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। मैं इसको बीच में जगह दे रही हूँ, और ये नाक भी मेरी टेढ़ी हो जा रही है। इसको कोशिश करती हूँ थोड़ा दूर रखने का। तो ये देखिए, इसके बावजूद भी जब मैं इसको पहनी हूँ, तो इसकी नथ टेढ़ी हो जा रही है। नथिया का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ज़्यादातर मोती का ही काम किया हुआ है,
सफ़ेद रंग की मोती का, और इसमें हरे रंग के कुंदन लगे हुए हैं और हरे रंग के जो आपको बीड्स दिख रहे हैं मोती भी हैं बीच बीच में, और चैन तो टूटी हुई है और टूटी हुई चैन को इस तरह से फंसा दिया गया है कि हाँ ये पूरी एक अच्छी नथ बन गई है। और उन्होंने ये जानबूझकर गलती करी है कि टूटी हुई नथ, ख़राब डैमेज नथ उन्होंने मुझे पार्सल कर दी, और ये नथिया जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक तो ये मतलब बार बार नाक से नीचे उतर जा रही थी, बार बार मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ रहा था, और ये इतनी ज़्यादा भारी है, इतनी ज़्यादा कि मतलब अगर मैं इसमें ज़्यादा अगर टाइट ना करूँ तो ये सीधा नीचे खिसक के आ जा रहे थे। डिज़ाइन तो बहुत सुंदर है, मैं इसको बहुत लोगों को देखी कि पहनी हुई है, और इसका रिव्यू वगैरह भी अच्छा था, अच्छी रेटिंग थी इसकी, और काफ़ी लोगों ने ख़रीदा था, मतलब काफ़ी सारी महिलाओं ने लिया था, पहनी भी थी। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा ये नथ वायरल हो रही थी, लेकिन बस ये देखने में ही अच्छी है, पहनने में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जगह मैं बताऊँ ना, अगर वो जो ओरिजिनल नथ होती है ना, जो सोने की नथ होती है जिसमें ऑक्सी लगी होती है, अगर सेम ऐसा ही डिज़ाइन और ऑक्सी लगा हुआ होता तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता। ये नथ जो है वो नाक से नीचे नहीं उतरती तो ज़्यादा अच्छा रहता। देख सकते हैं कि मोती जो है ना पूरा राउंड शेप में, पूरा मोती और ये आधा डिज़ाइन आधा मोती ये लगा पड़ा है, और जो नथ है वहाँ पे गोल गोल डॉट्स दिए हुए हैं जो आपका नाक में ऐसे चिपका सकते हैं। मतलब जिसकी नाक नहीं छेदी हुई है ना, वो इस नथ का भरपूर आनंद ले सकते हैं। मतलब नाक छिदाई हो या ना छिदाई हो कोई दिक्कत नहीं है उनको, बस उनको क्या है बस इस तरह से पहन लेना है। और अगर आप सोच रहे हो ना कि इसको आप नाक की नथिया में घुसा करके उसको लॉक कर लोगे या फिर एडजस्ट हो जाएगी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मैंने वैसे भी ट्राई कर लिया, बिल्कुल बेकार लग रही थी। जब मैं इसको नथिया के अंदर डाली ना, तो मतलब ये डिज़ाइन आपका टेढ़ा हो जाएगा। ये प्रॉपर आपको नाक का जो छेद होता है जहाँ, वहाँ पे ही आपको रख के नथ को पहनना है, तभी जो इसका लुक है ना वो आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं ना इतना ज़्यादा भारी है, जिसकी वजह से ये बार बार गिर जा रहा था। तो आप खुद सोचो कि आप इसको कितना देर पहन पाओगे। देखने में तो बहुत सुंदर है, अगर आप रील्स बनाती हैं तो आप उसके लिए ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई फंक्शन है और आप चाहती हैं कि ये नथ वाई करे तो नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मत लीजिएगा। चैन आखिर उन्होंने गलत क्यों ठहराई है, और चैन ये नथिया आए हुए मेरे पास काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब 3-4 दिन बीत गए थे। फिर मैं बोली ना कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल, इसी की मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो में मैं बोली थी कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे बहुत वीकनेस लग रहा था, तो ये आई हुई थी लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन मुझे था कि अब जल्दी से वीडियो बना लूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो यही डर रहता है ना कि कुछ पार्सल आया है और वो ख़राब ना हो जाए। सोचती हूँ अनबॉक्सिंग और प्लस में उसको पहन करके भी आपको दिखा दूँ एक साथ, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करती हूँ कि पूरा दिन का मेरे पास समय हो वीडियो बनाने के लिए। और आज जब समय भी मिला तो मुश्किल से आज मेरा 5वां दिन था, 5 या 6 दिन था, और जब मैं इसको देखी कि नहीं ये टूटा हुआ है इसको वापस करना चाहिए, तो एग्जैक्ट 5 तारीख पड़ रही थी, और मैं सोची नहीं अब इसको वापस कर ही देना चाहिए। तो मैं इसको वापस करने के लिए एक्सचेंज नहीं कर रही हूँ कि मुझे दूसरी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये अच्छे भी नहीं लगे, इसलिए मैं इसको वापस कर रही हूँ, और इसके बदले मुझे चाहिए पैसे। तो मैंने रिटर्न पे मार दिया है, और 3 दिन में, 5 दिन का समय लिया है, 5 दिन में आएगा ले जाएगा, फिर मुझे जो मेरे पैसे हैं वो वापस मिल जाएंगे। तो मैं इसके बदले कुछ और नथ ट्राई करूँगी जिसमें ऑक्सी लगा हो, जो नाक के छेद में जा सके, वो ज़्यादा आरामदायक रहता है। कम से कम वो नाक में तो लटकी रहती है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो नीचे लटक के गिर जाएगी। तो ये नथ आप लोग लिए जिसकी नाक नहीं छेदी हुई है, मेरी तो नाक देखी भगवान की दया से छेदी हुई है, वो भी ज़बरदस्ती 3-3 बार, तब जाके मेरी नाक टिकी है एक जगह, तो मैं तो अच्छी वाली लूँगी नथ।